नमस्कार, मैं अमित सक्सेना टेंपल ऑफ सॉलिन कुंग फू से आज कुछ लंबे समय के बाद मैं अपनी वीडियो डाल पा रहा हूँ। कारण ये था, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इस बीच आप लोगों के इतने सारे फोन, इतनी सारी कॉल्स आई है मेरे पास और इतने सारे मैसेज आए कि मैं परेशान हो गया कि कैसे जल्द से जल्दी ठीक हूं और आपके लिए वीडियो डालूं। और जो भी मेरे पास कॉल्स आई या मैसेज आए, उसमें अधिकतर लोगों ने कुछ कॉमन प्रश्न किए कि हमको सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं, या इस लॉकडाउन के दौरान हम जिम कर रहे हैं तो हम क्या सप्लीमेंट लें। और कुछ लोगों ने बहुत जेन्युइन, बहुत अट्रैक्टिव प्रश्न पूछा कि हम सप्लीमेंट ले तो क्यों ले और सप्लीमेंट होता क्या है। रियल में ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आज हमारे यहां का युवक इतना जागृत हो चुका है कि वो समझ रहा है कि मेरी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंट का घर तो नहीं है जहां पे जिम ट्रेनर या इस तरीके का अदर्स पर्सन मेरी बॉडी को एक घर बना ले रहा हूं प्रैक्टिकल करने के लिए। मैं वाकई में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं इन बातों को सुनकर। और मेरे जैसे हर उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि आपको उचित मार्गदर्शन दें। तो आज मैं आप लोगों के प्यार सहयोग के वजह से ठीक होकर दोबारा से आपके सामने एक वीडियो भेज रहा हूं। और ये वीडियो भेजने का कारण ही यह है कि मैं ठीक हो गया हूं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं करी है। थैंक्स। तो अब बात होती है ये कि सप्लीमेंट क्या होता है। मैं आज आपको, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप इसको देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं आज इसमें कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज वाली बातें बता रहा हूं कि और एक एक पॉइंट करके उठाऊंगा मैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये उठा रहा हूं कि सप्लीमेंट होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं सप्लीमेंट क्या होता है और हमको क्यों लेना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट होता है खाने योग्य अर्थात भोज्य पदार्थ। खाने योग्य वो भोज्य पदार्थ जो हमें खाने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वो भोज्य पदार्थ हमारे, जो हम दाल रोटी चावल या और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उससे नहीं मिलते? उससे भी मिलते। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि ना मैं सप्लीमेंट के पक्ष में बोलूंगा और ना ही मैं विपक्ष में बोलूंगा। निर्णय आपने लेना है, उचित निर्णय आप ही ले सकते हैं क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो सप्लीमेंट होता क्या है और कितने प्रकार का होता है? देखिए, सप्लीमेंट बहुत सारे टाइप के और वेज और नॉन वेज दोनों सप्लीमेंट होते हैं। अब बात यह है कि सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपसे ही ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं, तो आपको उसकी सलाह किसने दी? आपको सप्लीमेंट लेने की सलाह किसने दी? क्या किसी आपको फ्रेंड ने दी, जिम के ट्रेनर ने दी, या जिम के साथ वालों ने दी, या वो कौन है जो आपसे कह रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए? ये आपकी बॉडी है, इसे प्रैक्टिकल के लिए घर मत बनाइए। आप जिम में घुसते हैं, जिम वाला ट्रेनर, मैं किसी के गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिम का ट्रेनर या कोच या मालिक ऑनर कोई भी आपको सीधे से सप्लीमेंट समा देता है, ये वाला सप्लीमेंट लीजिए, ये प्रोटीन लीजिए, ये वेट गेनर आपके लिए बहुत जरूरत है, ये पीसीए लीजिए, ये प्री वर्कआउट लीजिए। आखिर क्यों?
मुझे उस बात का तो जवाब चाहिए क्यों, अगर मैंने सप्लीमेंट से ही करना है तो मैं घर बैठ के सप्लीमेंट खा लूंगा भाई, क्या जरूरत है मुझे जिम आने की? अब जिम में आ क्यों रहा हूं? क्या सप्लीमेंट खाने आ रहा हूं? क्या इससे पहले मेरी बॉडी डेवलप नहीं हुई? क्या मैं पहले इतना छोटा नहीं था, धीरे धीरे करके मैं बड़ा नहीं हुआ? आखिर क्यों खाने चाहिए? और तुमने मुझे ये डिब्बा थमा दिया कि ये प्रोटीन का डिब्बा खाना चाहिए, ये बीसीए खाना चाहिए, ये ग्लूटामाइन खाना चाहिए। आपको कैसे पता? मैं हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं जो सप्लीमेंट ले रहा है, वो सिर्फ अपने आप से पूछे या अपने उस जिम ट्रेनर से पूछे कि उसको कैसे पता कि उसके अंदर इस चीज की कमी है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, उसके अंदर ग्लूटामाइन की कमी है, उसके अंदर एनर्जी की कमी है, उसके अंदर बीसीए की कमी है, उसके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किसकी कमी है, कैसे पता उसको? उसको नहीं पता ना, उसे कोई चेकअप कराया आपका? वो डाइटिशियन है नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया, समझदार आप खुद है, उसने ऐसा किया क्यों? जो आपको वो 4000 का सप्लीमेंट का डिब्बा दे रहा है ना, वो उसको 2000 से भी कम का पड़ रहा है। तो ये एक कमाई का साधन है जो वो आपको बेफालतू के इंजेक्शन स्टेरॉइड बतला रहा है ना, उसमें उसका अंधाधुंध कमाई कर रहा है, वो एक कमाई का साधन है। आपने अपनी सामर्थ्य को तो चेक किया ही नहीं, आपने अपने बल को तो चेक किया ही नहीं, आपने उन संभावनाओं पे तो गौर किया ही नहीं कि आप जिम गए क्यों हैं। अगर आप सप्लीमेंट खाने जिम गए हैं तो ठीक है भाई, आप सप्लीमेंट खाइए, लेकिन यदि आप बॉडी को डेवलप करने गए हैं तो वो क्या सप्लीमेंट आपकी बॉडी को डेवलप कर देगा? क्या इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो पहलवान जैसे लोग लग रहे थे, जो बहुत मोटे तगड़े लग रहे थे, वो इस लॉकडाउन के दौरान सिकुड़ नहीं गए, छोटे नहीं हो गए, पतले नहीं हो गए, वीक नहीं हो गए, उनकी मसल्स कम नहीं हो गई? तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? ये जब तक वो सप्लीमेंट लेते तभी तक पावरफुल बने रहते। मैं आपको सप्लीमेंट लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी के विरुद्ध बोल रहा हूं, लेकिन मैं वो सच्चाई बता रहा हूं कि आखिर उस ट्रेनर को कैसे पता कि आपके अंदर इस चीज की कमी है। भाई आपके अंदर जिस चीज की कमी होगी आप वही यूज करोगे ना, अगर आपके पास कार है या मोटरसाइकिल है, पेट्रोल की कमी होगी तो पेट्रोल डालोगे ना, मोबिल ऑयल थोड़ी डाल दोगे, और इंजन में मोबिल ऑयल की कमी होगी तो मोबिल ऑयल ही पड़ेगा भाई, उसमें पेट्रोल नहीं पड़ेगा या मिट्टी का तेल नहीं पड़ेगा। हम कुछ भी बॉडी के अंदर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये शरीर है, कुछ नुकसान हो गया उसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि जब आप कुछ नुकसान होने का जिम वाले से बोलेंगे कि मैंने सप्लीमेंट लिया था और इसका ये रिजल्ट निकला है, तो वो आपसे बिल्कुल मुकर जाएगा, वो ये कहेगा भाई ये तो मैंने कंपनी से लाके तुझे दिया था, कंपनी का मंगवा के तुझे दिया था, अब तुझे कुछ हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? ये तो इतने सारे लोग ले रहे हैं, इतने सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहा है। लेकिन मेरे भाई सोच लो, सिर्फ एक बार सोचो कि आपका शरीर आपका अपना शरीर है, प्रैक्टिकल करने का कोई म्यूजियम नहीं है जहां पे प्रैक्टिकल हो कि ये चीज खा ले इससे तगड़ा नहीं हुआ तो ये खा ले, और इससे तगड़ा नहीं हुआ तो ये खा ले, और इससे तगड़ा नहीं हुआ तो ये खा ले, वरना इससे डाइट लगा ले। क्या आपको पता है इनके साइड इफेक्ट कैसे कैसे साइड इफेक्ट है आपको पता है? और मुझे विश्वास है कि आपको पता हो, क्योंकि जब आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको उसके साइड इफेक्ट भी पता होंगे, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक या गूगल पे आप सर्च करेंगे कि इसके ये साइड इफेक्ट है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, तो आप पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाते हैं, साइड इफेक्ट की तरफ आप ध्यान नहीं देते। सप्लीमेंट लेना किसको चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सप्लीमेंट लेना उसको चाहिए जो सप्लीमेंट लेने के लायक हो। अब बात यह होती है कि सप्लीमेंट लेने के लायक कौन है? तो सप्लीमेंट लेने के लायक वो इंसान है जो उस जिम में जा रहा है
जिस जिम के ट्रेनर को कंप्लीट रूप से पता है कि सप्लीमेंट इसको ये फायदा पहुंचाएगा, वो डाइटिशियन के साथ वर्क कर रहा है, वो इस बात के साथ वर्क कर रहा है कि ये सप्लीमेंट इसकी शरीर की इन विटामिन इन न्यूट्रिशन को पूरा करेगा। उसको पता है कि इसको इतना प्रोटीन चाहिए, उसको पता है कि इसको इतना क्रिएटिन चाहिए, उसको पता है कि इसको इतना कैल्शियम चाहिए, उसको पता है कि इसको इतना आयरन चाहिए। क्या वो डाइटिशियन के साथ वर्क कर रहा है? यदि नहीं तो आपने किसी डॉक्टर से चेकअप कराया है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर किस किस चीज की कमी हो रही है जो मैं जिम जा रहा हूं और मैं ये सप्लीमेंट ले रहा हूं तो मैं लूं? डॉक्टर से कंसल्ट किया? नहीं, सिर्फ जिम गए। बहुत अच्छा सेटअप देखा, अच्छे ढंग की बातें सुनी, बॉडी के बारे में गपशप सुनी कि ऐसी हो सकती है बॉडी, वैसी हो सकती है, ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है, उसने ऐसी बनाई है, उसने ऐसी बनाई है, और ये सप्लीमेंट खाया और आपने बिना आपको सोचे समझे सप्लीमेंट लिया। क्यों ये? क्या सोच के सप्लीमेंट लिया कि मैं भी वैसा बन जाऊंगा? क्या हर किसी की बॉडी एक जैसी है? सप्लीमेंट खाने वाले क्या सब अर्नोल्ड बन गए, रोनी कॉलमन बन गए? नहीं ना, आप गए क्यों थे? आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य था बॉडी थोड़ी डेवलप हो जाए, आपका उद्देश्य था स्टेमिना आ जाए, आपका उद्देश्य था आपके अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाए, आपका उद्देश्य था आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, आपका उद्देश्य था आपके अंदर पावर आ जाए। लेकिन आपने लिया क्या? खैर, फिलहाल इन बातों को यही छोड़ते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो सबसे पहले आप अपने आप को मेकओवर करिए कि आपको सप्लीमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और सप्लीमेंट चाहिए तो मुझे सप्लीमेंट लेने के लिए किससे कंसल्ट करना है? साथ वालों से, जिम के ट्रेनर से, डाइटिशियन से या डॉक्टर से? क्योंकि अगर आपने क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट के कोच के पास जाके आपको उसकी बारीकियां जाननी पड़ेगी। कोई आपको पान वाला या कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं बताएगा। तो अपने शरीर को, मेरे साथियों, अपने शरीर को प्रैक्टिकल के लिए एक बॉडी बस बनाए। सबसे पहले ये डिसीजन लीजिए कि हमें किससे कंसल्ट करना है, किस तरीके से करना है और हमें कौन सा सप्लीमेंट खाना है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट कि क्या सप्लीमेंट जो हम लेने की बात कर रहे हैं वो सप्लीमेंट क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में नहीं है? क्या वो सप्लीमेंट सिर्फ डिब्बे में ही पैक होकर आते हैं? क्या हमारे पास ऐसे ग्रेन्स नहीं है? क्या हमारे पास ऐसा अनाज नहीं है जिसके अंदर वो सप्लीमेंट है या जिसके अंदर वो चीज है? कभी अगर मेरी बात आपको सच ना लगे तो आप एक डिब्बे में जितने भी वो लिखे होते हैं एक बार उसका टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे जैसे हर उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है जो इस बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में या जिम से संबंधित लंबा समय हो गया है उसका संबंध है आपसे, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि वो आपको मार्ग प्रदर्शित करे, वो आपका मार्गदर्शन करे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो विदाउट सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। अब क्या रिसोर्सेस है? रिसोर्सेस तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कंफर्म करा दूं कि रिसोर्सेस क्या है। हमारे यहां के बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ताकतवर लोग हुए हैं, और रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस। हमारे पास दूध है ना, अंडा है ना,
पनीर है ना, मक्खन है ना, घी है ना, केला है ना, अनार है, गाजर है, चुकंदर है, अनन्नास है, स्प्राउट है, काला चना है, सोयाबीन है, क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। और लेकिन हम उन रिसोर्सेस के बाद भी हम बार 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 इन सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं। अरे भैया कैल्शियम लेना है ना तो कुछ मत करो, वो पान में जो खाते ना चूना, उसकी पुड़िया आती है 2.5 या 3 रुपए की, इतनी बड़ी पुड़िया आती है सिर्फ माचिस की तीली के बराबर। जरा माचिस उठाइएगा, सिर्फ ये माचिस है ना, इस माचिस की तीली के बराबर नहीं, इसके मसाले के बराबर का चूना। हर दिन एक टाइम खाना शुरू करे, चैलेंज है। अगर कभी भी हड्डियों में दर्द होने लग जाए, अगर कभी भी हड्डियों में दर्द होने लग जाए, चाहे कुछ भी एज क्यों ना हो, अगर कभी भी कैल्शियम की कमी हो जाए, आपको पता है लगभग 56 तरीके के रोग इस कैल्शियम के, इस चूने के खाने से दूर हो। आयरन की बात करते हैं, पालक है ना, कढ़ाई है ना लोहे की, अरे बनाओ ना, जम के खाओ, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ो। अश्वगंधा, ब्रह्मी, शिलाजी, सफेद मूसली, कौंच के बीज हैं, ये सब, इन सब लोगों, इन सब चीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। टोकरु वगैरह बहुत सारी चीजें, आप जाइए तो सही आयुर्वेद में, आपको पता चल जाएगा। और अभी कुछ, चलिए मैं आपको अगर एक सेकंड और आपका लेना चाहूंगा कि मैं कुछ क्षण पीछे की तरफ जाता हूँ, कुछ क्षण पीछे, लगभग कुछ साल पीछे, कुछ 100 साल पीछे, हमारे महाराणा प्रताप याद है ना, ऐसा क्या खाते, लगभग 72 किलो का कवच होता था उनका, 80 किलो का भाला हुआ करता था, और लगभग 60-65 किलो की तलवार, एक तलवार हुआ करती थी, 2 तलवारें लेकर साथ चला करते थे। कहां से आई वो ताकत, कहां से आई वो एनर्जी, कहां से आया वो स्टैमिना, क्या खाया ऐसा, कौन सा सप्लीमेंट था? दारा सिंह, ओ माय गॉड, कौन नहीं जानता दारा सिंह को, बच्चा बच्चा दारा सिंह का नाम लेता है। कौन सा सप्लीमेंट था उस समय, सब ये नेचुरल रिसोर्सेस थे। सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है, अब मैं बता रहा हूं सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है, सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी बॉडी बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती है, और आपको और ज्यादा डेवलप करनी होती है, और आपको प्रोफेशनल बनना होता है, तब आप सप्लीमेंट लीजिए। और वो भी सप्लीमेंट कभी किसी की राय पर, कभी किसी की परामर्श से मत लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सलाह देने वाले हजारों हैं। सलाह लेनी है तो उसके प्रोफेशनल्स की सलाह लीजिए, सलाह लेनी है डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, डायटिशियन की सलाह लेके आप सप्लीमेंट तब यूज करिएगा। मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बड़ी बन गई है, मैं आगे फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी सप्लीमेंट को बिना किसी परामर्श के, डॉक्टरी या डायटिशियन के परामर्श के बिना मत लीजिएगा। अपना पूरा वर्कआउट चैनल बनाइएगा, अपना पूरा सिस्टम बनाइएगा, सिस्टम से करिएगा। इस शरीर को प्लीज प्लीज, इस शरीर को एक्सपेरिमेंट मत करिए शरीर के ऊपर, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर वैसे ही बहुत सारी अशुद्धियां चली गई। च्यवनप्राश खाइए, जमके खाइए, मैं किसी ब्रांड का नहीं कह रहा हूं, जिस भी ब्रांड का आपको लगता है कि वो उचित है, वो च्यवनप्राश खाइए, शहद खाइए, और जम के बॉडी बनाइए। इस कोरोना काल के अंतर्गत आप अपनी बॉडी को, मेरी आपसे विशेष अनुरोध है कि आप कम से कम 15 या आधा घंटा
जरूर एक्सरसाइज करिए, अगर जिम है तब भी और जिम नहीं है तब भी एक्सरसाइज करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए ताकि हमारा भारत महान हो सके, शक्तिशाली हो सके। थैंक्स थैंक्स थैंक्स।